न्यूज़पेपर ने जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इन्होंने कवर किया हुआ है द रशिया कट्स द नेचुरल गैसेस एक्सपोर्ट्स ऑफ यूरोपियन नेशंस एंड जनरल्स इटली द कॉलिट द पॉलिटिकल नो द रशिया रिड्यूस द नेचुरल गैसेस थ्रू द यूरोपीय पाइपलाइन अगेन एमिट्स द सेंसर्स तो आवर प्रोडक्ट आवर रूल्स रशिया द सेंड द अलार्म्स बेल्स रिंग्स ओवर द यूरोपीय विंटर गैसेज द सप्लाइज तो डिफरेंट डिफरेंट जो इन्होंने अखबार ने इसको करके बताया है कि इस तरह से जो रशिया ये रशिया रिड्यूस द नेचुरल गैसेज टू यूरोपीय यूनियन अगेंस्ट अच्छा लिथुआनिया को कुछ दिन पहले जो रूस ने जो धमकाया था कारण था क्या रूस ने जो सामान यहाँ के निकल कर जो कुछ एक हिस्से से दूसरे हिस्से जैसे किम जो कैलिनग्राद तक ले जाने के लिए लिथुआनिया का जो ट्रेन जाती थी तो वर्तमान में जो लिथुआनिया ने जो कहा है कि वो ट्रेन को जाने से रोकेगा तो रास्ते को रोकेगा इस बात से रशिया को नाराज हुआ था और रशिया ने जो लिथुआनिया को धमकी दे दी थी कि मैं तुम्हारा जो इलाज कर दूंगा जैसे बोलते नहीं भाई आम भाषा में कुछ बात हो जाती है अच्छी अब मैं तेरे को देख लूंगा या इलाज कर दूंगा तो इस तरह से तो रशिया ने दुनिया भर के जो सेंसर्स लगाए हुए हैं लेकिन सेंसर को जो जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग ही तरह का जो कदम उठा लिया है तो यूरोपीय यूनियन रशिया को धमकी दे रहा था कि हम इस साल के एंड तक जो तुम्हारे से जो गैस लेना बंद कर देंगे तो अब क्या हुआ यूरोपीय यूनियन को रशिया ने धमकी दे रखी थी कि जो हम इस साल के अंत तक तुम्हारा जो पहुंचते पहुंचते 2/3 मतलब दो तिहाई गैस का जो इंपोर्ट उससे जो कम कर देंगे वहीं जो दूसरी ओर से जो 2027 के लिए कहा है कि रशिया ने गैस को जो इंपोर्ट करना ही बंद कर देंगे भाई पहले की अभी तो हम 2/3 जो पहले गैस बंद करेंगे फिर 2027 पहुंचते पहुंचते सारी गैस ही तुमसे लेना बंद कर देंगे यूरोपीय यूनियन ने बोला हुआ था रशिया से तो ये दो न्यूज जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी अपने आप में कि रशिया के ऊपर जो पाबंदी लग जाएगी वो जो रशिया बहुत गरीब हो जाएगा और रशिया का जो रशिया ने इस बात का इंतजार ही नहीं किया यूरोपीय यूनियन में जो मेरे पक्ष में क्या सोचेंगे क्या करेंगे और रशिया ने खुद ही जो गैस देने जो भेजने से बंद कर दी बोल दिया कि मना कर दिया कि तुम मेरे पे क्या ऊपर जो पाबंदी लगाओगे मैं तुम्हें थोड़ा फील करा दूं कि मैं हो कौन भाई ठीक है यूरोपीय यूनियन ने जर्मनी को जैसे जो यूरोपीय यूनियन का सबसे पैसे वाला देश माना जाता है उसको जो गैस देने से मना कर दिया है वो मतलब उसकी जो लगभग 60% ही कटौती कर दी अभी तो खैर जारी है कम 60% यानी 40% ही जारी है इटली को जो गैस भेजी थी उसने भी जो 50% ही कटौती कर दी तो भाई 60% क्योंकि उस कटौती उसको दी 40% उसको दे रहा है इटली को 50% दे रहा है और रशिया यूरोपीय यूरोप को लगभग जो 850 जो मिलियन डॉलर का जो प्रतिदिन गैस बेचता है तो देख वहाँ से इतनी इनको अब जो यूरोप क्या कहते हैं यूरोपीय यूनियन के देश कहते हैं कि हमसे आप जो गैस बेच के पैसे कमाते हो ना उस पैसे को है ना यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध करने में खर्च कर देते हो तो इस तरह की जो बात है देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ने इस तरह से जो ये है पूरी जो ये जो वहाँ तक पाइपलाइन बिछी हुई है इसमें डिफरेंट ये जो रशिया से इस्टोनिया इस तरह से डेनमार्क तक ये बिछी हुई पाइपलाइन रशिया ने कहा कि मैं तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे पैसे से जो युद्ध करते हैं तो मैं तुम्हारी जो गैस ही रोक देते हैं कि बेटा हम अपने मन उस पे देते हैं अपने बुद्धे पे एक तरह से उस गैस को जो क्या नुकसान होता है आपको कैसे उसका कैसे पता चलेगा तो जर्मनी इटली जो ऑस्ट्रेलिया चेक स्लोवाकिया आ गया कि गैस की जो कटौती कर दी है ये वो देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है और बर्फ होने के कारण जो घरों में जो गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है मैं जो गर्म भाई गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ेगी बर्फ होने के लिए घरों में गर्म करने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है जो इंडस्ट्री है गैस है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है इनमें भी गैस की जरूरत पड़ती है इस गैस का यूज करके ही जो यूरोपीय यूनियन बहुत सारे जो उद्योग धंधे चलते हैं यूरोपीय यूनियन के गैस जो मस्ट है उनके लिए जो यूरोप में सूरज की रोशनी कमी ज्यादा नहीं होती क्योंकि जो उस समय जो उस जोन में है ही नहीं जहाँ पे रोशनी सीधी पड़ती है वो अच्छे से आए तो जहाँ रोशनी सीधी नहीं पहुँचती यहाँ से इसलिए जो रेन्यूएबल एनर्जी का यूज करके जो ये हीट जनरेट करते हैं ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा ATC उस समय जो ये तो ये उस समय पर यूरोपीय यूनियन गैस का यूज करने के लिए बिजली का यूज करते हैं और यूरोपीय देश के जितने भी गर्मी के समय जब गैस ज़्यादा यूज नहीं होता तब ये है ना गर्मियों के लिए जो गर्मियों के टाइम पे ना सर्दी के लिए सस्ते दाम में गैस को जो खरीद कर जो स्टोक कर लेते हैं अब इन देशों के पास है ना लगभग जो 50% का जो गैस का स्टोक हो चुका है
जैसे ही सीधे ये न्यूज बाहर आई तो रशिया ने इन्हें जो सर्दी से सर्दी का जो ठंड का जो एहसास दिलाने के लिए गैस में कटौती कर डाली। तो यूरोपीय यूनियन के देशों में कहा कि यदि हमारे पास गैस नहीं पहुंची तो हम कोयले से बिजली बनाना स्टार्ट करेंगे। और देख सकते हैं कि रशिया के गैस के ऊपर कितना ये डिपेंडेंट है कि जो एकदम उस पर कोयले के ऊपर बिजली बनाने के लिए मतलब एक तरह से उथल पुथल सी हो गई। रशिया ने इससे पहले भी जो फिनलैंड डेनमार्क की जो गैस जो काटी थी, इस घटना से जो महंगाई का क्या असर पड़ेगा आप सोच सकते हो, यूरोप की महंगाई कितनी बढ़ेगी, यूरोप की जो इंडस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा। भारत तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैसेज हैं वो उनमें रशिया के सबसे पास है, फिर ईरान, फिर कतर, फिर तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड स्टेट इस तरह से आते हैं। तो ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रशिया, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड स्टेट। अब देखो ईरान के पास गैस खरीदने से पहले ही पाबंदी है, मतलब इनके पास जो गैस खरीद नहीं सकते, उसके पास जो पहले ही पाबंदी लगी हुई है कुछ के पास, तो बस कतर बसता है सारी चीज़ों में। अब इनमें अब अमेरिका के ने जो इनके पास जो पैस जो पास जो टैंकरों से भर भर के जो गैस भिजवाई, अब टैंकरों से जहाँ पाइपलाइन से जो गैस पहुँचती वहाँ टैंकरों से कहाँ काम चलेगा, वहाँ जो टैंकर से काम ही नहीं चला। तो यूरोप का जो काम नहीं चल रहा है तो कह सकते हैं, फिर जर्मनी अपनी गैस की जो आवश्यकता का लगभग जो 42% जो इम्पोर्ट करता है, लगभग जितना भी लगभग 50% ही मान लो 42 के आसपास। तो ऐसे में जर्मनी के पास स्थिति में जो भागते हुए जो कतर से यात्रा की है कि ठीक है भाई अब यहाँ से तो बात बन नहीं रही, तो कतर पे सीधे यात्रा कर ली जो जर्मनी ने, क्योंकि जो दुनिया में थर्ड नंबर का जो गैस जो प्रोड्यूसर है जो उत्पादक है कतर है, और कतर है तो कतर से कोई बात बन जाए, हेल्प मिल जाए तो सही रहेगा इस चीज़ को देखते हुए। अब आगे की न्यूज ये है कि जर्मनी ने कतर को साथ जो एग्रीमेंट किया है कि भविष्य में उन्हें जो गैस पहुंचा देगा, और क्या कतर जो एकदम गैस पहुंचा देगा सप्लाई कर देगा, तो नहीं पहुंचा सकता क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट गैस पाइपलाइन है लाइन बनने में जो कोई जो एक दिन का समय नहीं लगा, टाइम लगता है सारी चीज़ें, सालों का टाइम लगता है, तब तक समुद्र से जो पाइपलाइन डाली जाती है कतर से यूरोप में गैस पहुँचाना तो भी जो कोई भी आसान काम नहीं है, उससे जो लंबा समय टाइम लगेगा तब गैस पहुँचेगी। तो ये देख सकते हैं भाई आज की जो न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रशिया के जो गैस इंपोर्टर्स गैस में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जो जर्मनी, फिर इटली, तो इस तरह से फिर बेलारूस, तुर्की, इस तरह से सारी चीज़ें सारे जो यूरोपीय यूनियन के जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हैं। और जो आपका ये सारी चीज़ें मैंने बता दी एक चीज़ आपको, और जो यूरोप ने रूस ने यूरोप के जो प्राकृतिक गैस के प्रभाव को एकदम से कदम से घटा दिया है। यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन के समर्थन के लिए पश्चिमी देशों का जो वापस हमला करने के लिए स्पष्ट प्रयास कहा कि रूस ने शुक्रवार को इटली और स्लोवाकिया में प्राकृतिक गैस की जो डिलीवरी को आधा कर दिया है, फ्रांस को भी पूरी तरह से काट दिया गया है, और मास्को और पश्चिम के बीच में बढ़ते आर्थिक टकराव से गैस कटौती का लगातार तीसरे दिन जो चिन्हित किया गया है। मास्को ने पहले ही पोलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क ये सभी प्राकृतिक गैस प्रवाह को काट दिया था। रूस ने यूक्रेन के आक्रमण के बाद जो यूरोपीय संघ पर जो व्यापार संबंधी जो प्रतिबंध लगाने यूएस में शामिल हो गया है, लेकिन यूरोपीय सरकार जो केमलिन के आर्थिक प्रतिशोध के लिए तैयार है, और जो आर्थिक जो और जो आधिकारिक के इस सप्ताह प्राकृतिक गैस के आपूर्ति पर दबाव मास्को द्वारा राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए ऊर्जा की कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रयास